अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं सब? आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हम लोगों ने करना है freelancers.com पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। freelancers.com बेसिकली एक फ्रीलैंसिंग की ही वेबसाइट है। जो कि हम लोगों को, जैसे कि फाइवर हो गया, ऐसे ही बेसिकली फ्रीलांसर भी है। फ्रीलांसर्स पर ये है कि आप लोग यहाँ पर काम करेंगे बिड की सूरत में। फाइवर पर तो ये होता है ना कि क्लाइंट हम लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करता है, और यहाँ पहले होता था कि हम बाय रिक्वेस्ट भेजते थे। पर जो फ्रीलांसर्स है, वहां पर आपने ये करना है कि आपने वहां पर बिड्स क्रिएट करनी होती हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्रीलांसर्स का अकाउंट कैसे आप लोगों ने क्रिएट करना है। तो आज हम लोग जरा साइन अप करते हैं। साइन अप पर क्लिक करें। ये देखिए, अगर आप कंटिन्यू विद फेसबुक करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक करें। अगर ईमेल से करना चाह रहे हैं, ईमेल से करें। तो मैं यहाँ पे ईमेल से करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल लगाऊंगी, services@asq@gmail.com। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड क्रिएट करूंगी, क्योंकि मैं पासवर्ड अच्छा सा रख लेती हूँ। ओके, उसके बाद मैं करूंगी आई एग्री टू द फ्रीलांसर्स टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं ज्वाइंट पासवर्ड करूंगी। अच्छा, उन्होंने कहा है मैंने कुछ अपर केस रख दिए थे, तो मैं दोबारा से पासवर्ड चेंज करती हूँ। मैं रखूंगी, चलिए मैंने चेंज कर दिया, मैंने मिक्स करेक्टर कर दिए। अब मैं करती हूँ ये, मैंने अपना अकाउंट ज्वाइन कर दिया। मैं अपना यूजर नेम रखना चाह रही हूँ कि मैं अपना यूजर नेम क्या रखूँ। मैं अपना यूजर नेम रखूंगी asq.services। मैं इस नेम से यूजर नेम रखना चाह रही हूँ। मैं अब नेक्स्ट करूंगी। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 and 16 करेक्टर लॉन्ग एंड कंपोज ओनली नंबर एंड लेटर्स स्टार्टिंग विद द लेटर। ओके, नंबर और लेटर कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर लिख दूंगी asq.dot.scrvsees। अब मैं नेक्स्ट करूंगी। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं आई वांट टू वर्क और आई वांट टू हायर। हम लोगों को काम चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे आई वांट टू हायर, आई वांट टू वर्क। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब हम लोगों को फ्रीलांसर्स ने पूछा है कि हमारी स्किल्स क्या क्या हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कैटेगरीज दे दी हैं हमें। जैसे कि फाइवर नहीं हमें कैटेगरीज देता था कि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ये स्किल है। तो हम लोग इनमें से देखते हैं। हम लोग वेबसाइट और आईटी सॉफ्टवेयर जानते हैं? नहीं। हम कंटेंट राइटिंग जानते हैं? नहीं। हम डिजाइन जानते हैं? यस, वी नो डिजाइनिंग। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई अलग कैटेगरी है? नहीं। अच्छा, फिर हम लोग आ गए डिजाइन में, मीडिया एंड आर्किटेक्चर। अच्छा, हम लोग ग्राफिक डिजाइनर है? यस। हम लोगों ने 20 स्किल सिलेक्ट करनी है। वेब डिजाइन नो, फोटोशॉप यस, लोगो डिजाइन यस, इलस्ट्रेटर यस, इलस्ट्रेटर अभी छोड़ देते हैं एंड के लिए, वीडियो सर्विसेज यस, वीडियो एडिटिंग यस, फोटोशॉप डिजाइन यस, और आफ्टर इफेक्ट्स नो, इलस्ट्रेशन यस, वीडियोग्राफी अभी रहने दे इसको। नेक्स्ट, बैनर डिजाइन ऑब्वियसली यस, ब्रोशर डिजाइन यस, वॉइस टैलेंट अभी रुक जाए इस पर भी, और उसके बाद फोटोग्राफी नो, UI/UX एक्सपीरियंस एज आई नो दिस फील्ड, सो मैं इसको यस करूँगी। अगर आप जानते हैं तो कर लें, नहीं तो ना से। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटेशन डेफिनेटली यस, उसके बाद वीडियो पोस्ट एडिटिंग नो, वीडियो एड्स ऑब्वियसली यस, हम लोग कैनवा पे आसानी से बना सकते हैं,
ओके, उसके बाद फैशन डिजाइन नो, फ्लेयर डिजाइन यस, वीडियो टूर्स नो, 360 वीडियो नो, म्यूजिक वीडियो यस, हम लोग म्यूजिक ऐड कर सकते हैं किसी भी वीडियो के पीछे। उसके बाद एक्सप्लेनर वीडियो यस है, पर अभी इसको नहीं ऐड करेंगे। ओके, एडोब इन डिजाइन कहाँ गया, नहीं, कवर एंड पैकेजिंग यस, कैनवा पर बहुत आसानी से बन जाएगी। उसके बाद आ गया साउंड डिजाइन नो, बिजनेस कार्ड जैसे कि हम लोगों को पता है कि कैनवा में बन सकते हैं, हम लोग ऐड करेंगे। यूट्यूब वीडियो एडिटिंग डेफिनेटली, वॉइस एक्टिंग हमारी 17 स्किल हो गई है। पोस्टर डिजाइन हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं यूआई डिजाइन भी जानती हूँ, तो मैं यूआई भी करूंगी। आप इसकी जगह पे दो अलग कर सकते हैं, जैसे कि ये क्रिएटिव डिजाइन हो गया, या पीछे हम लोगों ने भी जो छोड़ा है पोस्टर डिजाइन वो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैनवा आ गया, आइकन डिजाइन, आइकन डिजाइन लोगो डिजाइन की एक टाइप है। जैसे हम लोग छोटा सा लोगो नहीं बनाते, उसी तरह से आप लोगों ने आइकन भी बनाना था, अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें। मैं बेसिकली इसलिए थोड़ी बहुत ये लिमिटेड चीजें सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ हमारे पास 20 स्किल्स हैं और यहाँ पर ढेरों भरमार पड़ी हुई है, इसलिए बेहतर है हम लोग कोई सूटेबल चीजें सिलेक्ट करें जो कि हमें काम भी आए, जिस पर हम लोग अच्छे से काम भी कर सकें। बुक आर्टिस्ट डेफिनेटली ओके। अब देखते हैं कोई चीज रिमूव करने वाली तो नहीं है जो हमें बिल्कुल परफेक्ट आती है और हमने छोड़ दी है, चेक कर लेते हैं। टाइपोग्राफी कर सकते हैं हम, इसको करते हैं ग्राफिक डिजाइन की जगह पे टाइपोग्राफी ऐड कर देते हैं। अच्छा देखिए, मैंने 20 कर दी हुई है, तो अगर अगर मैं सिलेक्ट कर भी रही हूँ तो नहीं हो रही है। चले 20 हो गई है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने बिल्कुल सूटेबल जो जिनमें आप परफेक्ट हैं, आपने बिल्कुल बस उन्हीं पर क्लिक करना है, उसके अलावा किसी पर क्लिक नहीं करना। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने लिंक्डइन का अकाउंट अभी नहीं बनाया, फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है, उसको ऐड कर सकते हैं। अभी मुझे पासवर्ड और जीमेल बिल्कुल नहीं आता, तो मैं अभी वो नहीं ऐड कर सकी सकती। लिंक्डइन का, हाँ लिंक्डइन का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं उसको अटैच कर लूंगी अपने अकाउंट को, कि मेरा ऑलरेडी साइन इन है, तो मैं इसी को साइन इन करके, सॉरी पासवर्ड मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको ऐड कर देती हूँ। पासवर्ड फिर मेरा मिस्टेक पर जा रहा है, मैं इसका पासवर्ड चेंज करके ऐड कर दूंगी। ओके, ये मैंने साइन इन किया, और ये पासवर्ड का इश्यू आ रहा है, तो मैं इसको बैक आती हूँ, फिर बैक आई मैं, ये साइन इन किए बगैर नहीं होगा। अच्छा ये देखें, मैंने अपना अकाउंट लगा दिया, तो मैं इसको अपडेट पासवर्ड करके मैं इसको अलाउ कर रही हूँ फ्रीलांसर्स को कि वो मेरा लिंक्डइन का अकाउंट अटैच कर दें। ये मैंने अपना लिंक्डइन का अकाउंट अटैच कर दिया, फेसबुक का मैं बाद में कर लूंगी क्योंकि अभी मेरा अटैच नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। ओके, व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज कुरतुल एन, नहीं मैंने अपना नेम रखना है ASQ.Services। ओके, मैं डॉट भी ऐड कर देती हूँ, मैंने अपना ये नेम रखना है, मेरी इमेज ऑलरेडी ऐड हो गई है, लिंक्डइन से उठा लिया उन्होंने। उसके बाद टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ, उन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आपकी यानी क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, सो मैं लिख दूंगी आई एम अ ग्राफिक डिजाइन डिजाइनर डिजाइनिंग, यहाँ ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद अबाउट माई सेल्फ, मैं यहाँ पर अपने लिंक्डइन अकाउंट को ओपन कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी लिंक्डइन के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, मैंने इधर से ही अपनी लिंक्डइन की कॉपी करनी है और वहां पे पेस्ट कर देनी है। ओके, मैं अपनी प्रोफाइल में गई,
दिस इज अबाउट मी, मैंने सारी डिस्क्रिप्शन उठाई, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं अभी इस लेक्चर में तो एटलीस्ट लिख नहीं सकती, तो इसलिए मैंने यही वाला कॉपी करके ऐड कर दिया। आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अक्सर बताया हुआ कि आप लोग कीवर्ड ऐड किया करें ताकि आपकी प्रोफाइल फ्रंट पेज पर आए। तो बेहतर आप लोग कीवर्ड ऐड कर लें। मैं इस वक्त कीवर्ड ऐड नहीं कर सकती क्योंकि उस पर टाइम लगेगा और टाइम मेरे पास बहुत स्मॉल है इस लेक्चर के लिए, तो मैंने कीवर्ड ऐड नहीं किए। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अच्छा, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? मैं सबसे पहले तो इंग्लिश लिखूंगी। अगर मैं देखती हूँ अगर कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट हो सकती है इंग्लिश के अलावा, मैं उर्दू बोलती हूँ। उर्दू है नहीं, फ्रेंच देखते हैं। हाँ, फ्रेंच आ गई है। उसके बाद अरबिक नहीं, डच लिखा आ रहा था, डच ऐड कर देती हूँ। और भी कोई लैंग्वेज अगर ऐड हो सकती है आप लोग ऐड कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन करने का तरीका पहले ही बता दिया था। उसके बाद व्हेन वर यू बोर्न, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं अभी लिख लेती हूँ, दो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, कुछ भी लिखते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। नेक्स्ट पर मैं गई। ओके, वेयर आर यू लोकेटेड? आई एम लोकेटेड इन लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। आई थिंक ये जस्ट पूछ रहे हैं कौन सा कंट्री है। तो मैं नहीं, आ गया लाहौर पाकिस्तान, ये लाहौर पाकिस्तान आ गया। उसके बाद सिटी भी आ गया। हमारा जिप कोड क्या है? मेरा 54000 मेरा जिप कोड है, मैंने ऐड किया। आप लोग अपने सिटी का जिप कोड लगाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर गई। नेक्स्ट पर जाने के बाद वेट करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, उन्होंने मुझे एक ईमेल सेंड की है जिससे उन्होंने कहा है कि मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे कोई ईमेल आई है? रुकिए, वो भी देख लेते हैं कैसे आई है आपको ईमेल। यहाँ पे मैं अपना जीमेल ओपन करती हूँ, न्यू टैब में। ये मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया। ये मुझे फ्रीलांसर्स की ईमेल आई हुई है, मैं इसको चेक करती हूँ। उन्होंने कहा है वेरीफाई करने के लिए, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद उन्होंने कहा है थैंक्स ASQ, योर ईमेल इज वेरीफाइड। मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। यहाँ पर भी सेम आ रहा है, मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। अच्छा, पेमेंट मेथड अभी हम लोगों ने ऐड नहीं करना। जब हम लोगों को थोड़े बहुत आने लगेंगे ऑर्डर तो हम लोग जरूर ऐड करेंगे। अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं इस प्रोसीजर को कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो हमें फ्री चाहिए तो हम लोग पेड मेंबरशिप नहीं खरीदेंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। अच्छा, इसको स्किप करने के बाद अब आप लोगों ने मेन चीजें देखनी है जो मैं ऐड करने लगी हूँ, जो मैं काम करने लगी हूँ, और मैं आपको बताने लगी हूँ कि फ्रीलांसर्स पर काम होता कैसे है। अच्छा, ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के सामने अभी अभी अकाउंट बनाया है। यहाँ पर हर सेकंड जॉब आती है। देखिए, वीडियो एडिटिंग की उन्होंने बता दिया नोटिफिकेशन में कि वीडियो एडिटिंग की जॉब है। ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। उन्होंने कहा है आई एम लुकिंग अ वीडियो, आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर अपलोड टू यूट्यूब विच आई नीड एडिटेड एंड जॉइंड एज फॉलो। द वीडियो करंटली इज इन 7 सेकंड। अच्छा, ये ग्राफिक की कुछ चीजें हैं, सो हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ नोटिफिकेशन में डेली बेसिस पे हमें हर सेकंड, ईच सेकंड हम लोगों को कोई ना कोई जॉब आती है हमारी फील्ड से रिलेटेड, हमारी नीड से रिलेटेड। देखिए, लास्ट 20 सेकेंड्स में मुझे एक जॉब आ गई है। मैं इसको रीलोड करूंगी, मैं फिर देखूंगी इसको। ये देखें, हाफ अ मिनट अगो
अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकती हूँ, अगर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो मैं डायरेक्ट सर्च कर, अच्छा ये देखें ऊपर मेंशन हो रहा है वेरीफाई और नंबर, मैं वेरीफाई कर लूँ जरा इसको पहले, ये भी करना जरूरी है। फिर हम डिटेल से बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अच्छा उन्होंने मुझे ईमेल एड्रेस पे वेरीफाई यू हैव एक्सेस टू योर ईमेल एड्रेस, अ सिक्योरिटी कोड हैज बीन सेंड टू द ईमेल एड्रेस लिंक टू योर अकाउंट, उन्होंने फिर से मुझे एक ईमेल भेजा, मैं फिर से चेक करूंगी। ये देखिए मुझे उन्होंने ईमेल भेज दिया है जो कि है हेलो ASQ योर कोड इज दिस, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सबमिट किया। अब उन्होंने कहा है वेरीफाई योर फोन, तो मैं अपना कंट्री सिलेक्ट करूंगी जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है पाकिस्तान, मैं यहाँ पर अपना नंबर लिखूंगी 0333 8336 958, 0333 8336 958, सेटअप सिक्योर करूंगी। अच्छा अब मुझे ये देखिए साथ साथ नोटिफिकेशन आती रहती है कि आपको ये जॉब आई है, तो अभी मैं इन सब टैब्स को क्रॉस कर दूंगी और मैं अपना मोबाइल चेक करूंगी कि मुझे कोड आया है कि नहीं आया। अभी तक तो मुझे कोड नहीं आया, मुझे कोड का वेट करना पड़ेगा। मैं दोबारा डिसेंड पर क्लिक करती हूँ, 0333 8336 958, मेरा नंबर ठीक है पर मुझे अभी तक कोड आया नहीं है। जी ये मुझे कोड आ गया है, मैं चेक करती हूँ कोड क्या है, मुझे कोड आ गया है जो कि मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर 7 8 1 6 3, ओके मेरा कोड था ये, मैंने इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद वो इधर लोडिंग हो रही है, चलें जी ये हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो गया। ओके यहाँ पर बेसिकली आपको पूरे मंथ की या शायद फॉर लाइफ टाइम कुछ बीट्स दी जाती हैं, बिट्स का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है। आप किसी भी जॉब पर जाकर जैसे कि यहाँ पर देखते हैं सर्च करते हैं, ब्राउज में जाके यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है जो भी आप जॉब देख रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, अच्छा बेसिकली फ्रीलांसर पर आप प्रोजेक्ट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास बीड्स है, बीड्स हमें खरीदनी पड़ती है अगर हमारी खत्म हो जाए तो, और वो हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा काम होता है कि कॉन्टेस्ट होते हैं, जो कॉन्टेस्ट होते हैं जब हमारी बीड जो हम लोग अभी हम लोग अपनी बीड्स खरीद नहीं ना सकते क्योंकि हम लोगों की पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई, हमारा बजट इतना नहीं है कि हम लोग अपनी बीड्स खरीद सके, उन लोगों के लिए फ्रीलांसर्स ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि कॉन्टेस्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्टेस्ट को मैंने ओपन किया, जैसे कि हम लोगों ने दूसरी लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट की थी तो हमें दूसरी लैंग्वेजेस में भी आएंगे ऑर्डर, तो ये देखें इन्होंने कहा है मेक वन लोगो फॉर किड्स क्लोथिंग ब्रांड नीड ओरिजिनल फाइल, ठीक है उनको 3D लोगो चाहिए और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, लोगो डिजाइन और फोटोशॉप इन्होंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है कॉन्टेस्ट और नो एंट्रीज येट, अभी इधर किसी ने एंट्री कोई नहीं भेजी है, यहाँ पर हम अपनी एंट्री भेज सकते हैं
किड्स क्लोथिंग ब्रांड है ना, नीड ओरिजिनल फाइल्स, उन्होंने कहा गिफ्ट में भेज सकते हैं, जेपीजे में भेज सकते हैं, जेपैक में भेज सकते हैं, पीएनजी में भेज सकते हैं। तो अगर हाँ अपने खुद ही कोई कॉन्टेस्ट इस तरह से करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जितने भी फ्रीलांसर्स हैं freelancer.com पर, यानी जितने भी लोग हैं, लोगो डिजाइनर हैं, अब लोगो डिजाइनिंग की बात हो रही है, तो वो सब के सब लोग यहाँ पर लोगो बनाकर भेज देंगे। और क्या करेंगे वो, ये करेंगे कि इसको बना के भेज देंगे और वो उनमें से एक लोगो को सिलेक्ट करेगा और उस लोगो सिलेक्टेड लोगों को वो पैसे मिल जाएंगे। अब ये 500 इंडियन रुपीज है ना, उसने कहा है 500 इंडियन रुपीज मैं उस बंदे को दूंगा जो जिसका लोगो मुझे पसंद आ जाएगा। एंट्रीज सब करवाएंगे, ये देखिए एंट्रीज यहाँ पे लिखा है ना, आप यहाँ पर देखेंगे ये एक बंदे ने लोगो बना के भेज दिया है। अब हम लोग एक एंट्री बना के भेजते हैं, सभी एंट्री पर आप लोग ने क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है जैसे उसने कहा था किड्स क्लोथिंग लोगो, लोगो बनाना मैं आप सबको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर आप योर एंट्री की डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ भी ऐड कर दें, आई हैव क्रिएटेड द लोगो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ओके यहाँ पर लिख दें कुछ डिटेल्स जो आप लिखना चाह रहे हैं कि मैंने ये कलर यूज किया, मैंने ये कलर यूज किया, मैंने ये थीम यूज की, मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगा। अपनी एक एक चीज आप इस इधर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज डिस्क्राइब करें। और उसके अलावा यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है दिस एंट्री इज इंटायरली माय ओन, ये आपकी इंटायरली आपकी अपनी है। एंट्री सेल प्राइस उसने 500 इंडियन रुपीज लिखा है तो हम 500 ही लिखेंगे। एंट्री सेल प्राइस, एंटर द प्राइस यू वॉन्ट टू सेल दिस एंट्री फॉर, इफ यू डोंट विन द कॉन्टेस्ट होल्डर मे स्टिल बाय योर एंट्री एट दिस प्राइस। अच्छा, ये मैंने लिख दिया कि मैं इतने में ये काम करूंगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फाइल अपलोड कर देनी है। और आप लोगों ने काम कैसे करना वो तो आप जानती हैं, यहाँ पर जाएं कैनवा पर, कैनवा पर जाके आप अपना लोगो क्रिएट करें। बेटा मिनट में फटाफट से एक लोगो क्रिएट करके आती हूँ। ये देखिए मैंने फटाफट से एक लोगो बनाया, ये मैं यहाँ पर ब्राउज कर रही हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया लोगो, यहाँ पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैंने क्या करना है, मैंने अपनी एंट्री सबमिट कर देनी है। ये मैंने एंट्री सबमिट कर दी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सबमिट योर एंट्री फॉर दिस कॉन्टेस्ट। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, पर मैं कहूंगी कि आप इसको एडिट मत करें। तो ये देखिए 2 टोटल एंट्रीज हो गई हैं, एक मैंने बना दिया और एक इन्होंने बना दिया। ओके, अब वो इन्होंने कहा है ओपन 1 वीक 2 डेज रिमेनिंग, एक हफ्ता और 2 दिन बाद ये एंट्री खत्म हो जाएंगी, जिसका लोगो उनको पसंद आएगा वो उसको खरीद लेंगे और वो उसको पैसे दे देंगे। इस तरह से ये काम होता है। आप ब्राउज में जाएं, अगर प्रोजेक्ट्स में आप जाकर के देखें, अगर आप प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स में आपको जैसे फाइवर पर नहीं होता कि आपको डायरेक्ट शो हो रहे होते हैं कि नहीं, आपको डायरेक्ट शो नहीं हो रहे होते, वो अपवर्क में होता है सॉरी, ये फ्रीलांसर्स पर आपको डायरेक्ट शो होते हैं। ये देखिए प्राइवेट प्रोजेक्ट फॉर मौसम, वी नीड ग्राफिक्स टू बी मेड फॉर अस फॉर मल्टीपल गेम्स एंड वेबसाइट, दिस इज अ प्राइवेट टास्क फॉर मौसम, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हैं, आप इसकी डिस्क्रिप्शन भरें तो आप इसको पोस्ट। अच्छा, ये देखें न्यू, इन्होंने रिकरेक्ट कर लिया, इन्होंने मिल गई है इनको, इन्हें लोग मिल गई हैं, इस पे बिड्स ऑलरेडी 28 जा चुकी हैं। आपने क्या करना, आपको बिड्स होती हैं आपके पास कोई टोटल 5 या 6 बिड्स होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर। तो आपने क्या करना, आपने देखना है कि जिस पोस्ट पर जितनी कम बिड्स हैं आपने वहीं पर अप्लाई करना है बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 हैं बिड्स, उन्होंने कहा मेक अ पार्टी फ्लेयर विद म्यूजिक इन बैकग्राउंड, यहाँ पे 8 लोगों ने वैसे भेज दी हुई है बिड कि मैं ये आपका काम कर सकता हूँ, ये इंडिया के क्लाइंट है, यहाँ पे इनकी डिटेल। और दूसरी बात ये कि इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, अगर इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो आपने इनको नहीं भेजना।
ओके ये देखें, ऑटोमेटिकली एक छोटा सा वो फ्रीलांसर्स ने मेरी खुद ही समरी रेडी कर दिया, ये मेरा नेम लिख दिया, मुझे बता दिया उन्होंने कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरी लैंग्वेजेस ऐड कर दिया, उन्होंने कहा रेट बता दो अपना। मैं अपना आर्ली रेट बता देती हूँ कि मैं 20 डॉलर पर आवर काम करूंगी, ठीक है? ये मैंने इसको सेव किया पहले, तो उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट माइलस्टोन में चाहिए, तो उन्होंने कहा 1,050 रुपये मिलेंगे, खुद ही उन्होंने प्राइस बता दिया कि उनको 7 दिन में चाहिए, नहीं उनको कितने दिनों में चाहिए, उन्होंने बिड लगाई हुई एंड इन 6 डेज 23 आवर्स, उनको 6 दिन और 23 घंटों बाद ये पोस्ट खत्म हो जाएगी, 23 उसके अंदर अंदर चाहिए। तो मैं इनको कहूंगी, मैं तो इनको 1 दिन के अंदर लोगो बना के दे दूंगी, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन 1 डे डिलीवर्ड इन 1 डे, बिड अमाउंट मैं ऑलरेडी उतनी ही रख रही हूँ, मैं यहाँ पे कहूंगी हाय दिस इज, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रपोजल बनाना सिखाया हुआ है कि आप लोगों ने प्रपोजल कैसे भेजना है, मैं यहाँ पर वैसे ही लिख लूँ, दिस इज कुरतुल एंड आमिर, दिस इज ASQ डॉट सर्विसेज, मैंने अपना नेम ASQ रखा ना, अपना नेम से ही करिएगा, ASQ डॉट सर्विसेज, आई एम प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज विद HG डिजाइन्स एंड एंड विद सोर्स फाइल, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से अपने प्रपोजल में, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही बातें, तो आप वो लिख सकते हैं आसानी से, इधर लिखें और उसके बाद आपने क्या करना है सोर्स फाइल, और बाद में आपने लिख देना आई विल प्रोवाइड यू विथ, कोशिश करें कि सबसे पहले ये बात लिखें आई विल क्रिएट योर लोगो, ठीक है? पहला उसको मैसेज ही ये देखे, हाँ जी मैं आपका लोगो बनाने आया हूँ, फिर दूसरी बात करें, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई विल क्रिएट योर लोगो, मैंने फिर इसके बाद ए एंटर प्रेस कर दिया, मैं नीचे लाइन में आ गई, मैंने कहा हाय दिस इज ASQ सर्विस, आई एम प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज विद HD हाई डेफिनेशन रिजल्ट, HD का कैपिटल बड़ा कर लेते हैं, हाई डेफिनेशन रिजल्ट डिजाइन नहीं, रिजल्ट रिजल्ट एंड विथ सोर्स फाइल ऑल्सो, ठीक है? सोर्स फाइल एंड अनलिमिटेड रिवीजन ऑल्सो, ओके इतना मैंने लिख दिया, एंटर किया और उसके बाद मुझे बिड्स ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो मैंने ये प्लेस बिड कर दी, ओके मैंने कोई अटैच फाइल नहीं, ये देखे मेरी बिड प्लेस हो गई है, ये हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल है, ये उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था मेक पार्टी फ्लेयर विद म्यूजिक, और सॉरी मैंने लोगो लिख दिया है, इसको मैं एडिट करूं फटाफट, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, आई विल क्रिएट योर प्लेयर ये कहाँ लिखा जा रहा है, हाँ यहाँ पे लिखना है आई विल क्रिएट योर फ्लेयर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में टाइप्स बताई थी, फ्लेयर्स पैम्फलेट एंड ब्रोशेस, स्पेलिंग मैं ठीक कर लेती हूँ, पैम्फलेट एंड ब्रोशेस एंड हाय दिस इज ASQ सर्विसेज, आई एम प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज विद, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर थी, मैंने एडिट दोबारा से किया, मैंने दोबारा से एडिट किया कि आई विल क्रिएट योर फ्लेयर पैम्फलेट और ब्रोशर डिजाइन,
और उसके बाद मैंने लिख दिया हाय दिस इज हेयर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद मैंने दोबारा से अपडेट बिट कर दी। ओके ये मेरी बिट अपडेट हो गई है, और मैंने लिख दिया है यहाँ पे सब कुछ कि मैं एक दिन में ये काम करके दूंगी और इतने पैसों में करके दूंगी, और आपने भी अमाउंट रीजनेबल ही लिखनी है, ज्यादा नहीं करनी। अच्छा अभी जब मैंने इस पोस्ट को देखा था तब एक भी बिड नहीं हुई थी, अभी जब मैंने भेज दी है तो आप ये ऊपर देख सकते हैं, योर आर रैंक 8 out of 11, 11 लोगों ने प्रपोजल भेज दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखें मेरी बिड्स कितनी रह गई हैं, मैं देखती हूँ, जरा चेक करती हूँ, माय प्रोफाइल बिड इन साइट, ठीक है मेरी कितनी बिड्स रह गई हैं, नहीं ये तो मेरा प्रपोजल ओपन हो गया ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट, योर बिड्स, हमें मेरी 5 बिड्स आ गई हैं, 6 में से मुझे 6 बिड मिली थी, और ये मुझे तब तक चलेंगी, ये मेरी चलेंगी 1 next additional bid, मुझे 1 month बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये फ्रीलांसर्स की अपनी मर्जी है कि आपको कितनी देर बाद ये नई बिड मिल जाती है। तो बेहतर है कि आप बिड की बजाय कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें, आपके डिजाइन्स लोग भी देखें, लोगों को पता लगे कि हाँ ये बंदा ग्राफिक डिजाइनर है, ये बंदी ग्राफिक डिजाइनर है, और आपकी प्रोफाइल फर्स्ट नंबर पे आ जाए, लोगों को, लोग प्रेफर करें आपकी प्रोफाइल को। तो इस तरह से आप कॉन्टेस्ट में लाजमी पार्ट लें, डेली का एक कॉन्टेस्ट या दो कॉन्टेस्ट तो लाजमी आप लोग अप्लाई करें। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जितनी बिड्स हैं लगा दें, जब बिड आएगी तब लगा दें, आप खुद अपने अकाउंट को रनिंग में रखेंगे ना तो आपका अकाउंट जल्दी से ग्रो होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे डेली नोटिफिकेशन आती है, हर मिनट हर सेकंड आपको कोई ना कोई जॉब लाजमी आएगी आपकी फील्ड से रिलेटेड, तो बेहतर है आप लोग डेली अप्लाई करें यहाँ पर, डेली कोई ना कोई डिजाइन अपना पब्लिश करें और जल्दी जल्दी डॉलर्स कमाएं, और मुझे भी बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा। जैसे कि अभी बात करते करते ही ये एक न्यू डिजाइन हुडी हमारी नोटिफिकेशन में आ गया, नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी तरह से जहां जैसे मैंने आपको लैपटॉप पे बताया, उसी तरह से आप लोगों ने मोबाइल में भी यही काम करना है, मोबाइल में भी आप लोगों को सेम प्रोसीजर आएंगे कि आप लोगों ने ये चीजें एडिट करनी है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा है सेटअप योर अकाउंट, मेरा अकाउंट 60% सेटअप हुआ, ठीक है यहाँ पे भी एक टेस्ट होता है, पास द US English Exam Level 1, तो ये टेस्ट तो मैं यहाँ पे दे नहीं सकती क्योंकि दूसरी स्क्रीन ओपन नहीं होगी। लास्ट एक्सपीरियंस हमारा बहुत गंदा था, हम लोगों ने लाइव लेक्चर में टेस्ट दिया था और वो हमारा डबल विंडोज की वजह से टेस्ट कैंसिल हो गया था, और 90 डे की वार्निंग मिल गई थी, वो फाइवर पे था। तो बेहतर है ये मैं बाद में ही दूंगी, आप लोगों ने भी ये टेस्ट लाजमी दे देना है, इसके बाद मेरा अकाउंट 80% हो जाएगा। तो हम लोगों को इसको 100% पे करना है, पर 100% पे तब होगा जब हम लोग अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। जिनकी बैंक डिटेल्स हैं, जिनका बैंक अकाउंट है, वो लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरा अपना है, मैं बाद में ऐड करूंगी, अभी मैं यहाँ पे डिटेल्स मेंशन नहीं कर सकती। तो अभी 60% पे रहने दे, इससे आपके अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चले ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का कल तक परसों तक जिन लोगों ने ये लेक्चर सुना देखा, आप लोग प्लीज अपना अकाउंट बना लें और मुझसे शेयर करें। और जो लोग मेरे सेशन लेना चाह रहे हैं, जो सेशन में मौजूद नहीं है, ये फ्री उनको लेक्चर मिल रहा है, वो मेरा नंबर नोट कर लें, 0333-833-6958, वो मेरा ये नंबर नोट कर लें और मुझे मैसेज करें, जल्दी से जल्दी मैं आपको अपने सेशन में ऐड करूं, और हम लोग फ्रीलैंसिंग सीखें, कैनवा सीखें, और हर तरह का फ्रीलैंसिंग अकाउंट सीखें, और उससे हम लोग महीने में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने आप कमाना चाहते हैं उतने कमाएं। प्लीज जल्दी जल्दी रब्ता करें, और जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली, आप लोग मुझे जल्दी से ये लेक्चर देखकर कल तक मुझे अपने अकाउंट सबमिट करवा दें, इंशाल्लाह हम लोग आगे वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।